के लिए, हु हैज ब्रॉट दिस चेयर, यह चेयर कौन लेके आया। अब हम इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि यह चेयर कौन लेकर आया। आंसर क्या है, पूजा हैज बॉट दिस चेयर, पूजा इस चेयर को लेकर आई। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी, तो इसलिए इनको हमने सेकेंड टाइप में रखा। सेकेंड टाइप क्या है, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई इज ही सो हैप्पी, वह इतना खुश क्यों है। अब हम इसमें भी हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, तो आंसर क्या है इसका इन्फॉर्मेशन के लिए, ही इज सो हैप्पी बिकॉज ही वॉज वोन ए लॉटरी, वह इतना खुश इसलिए है क्योंकि उसने एक लॉटरी जीती। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट कैन ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी हेल्प करो, ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा मानो, ओबे योर टीचर्स, ये कौन सा है, इसमें ऑर्डर दिया गया है और प्लीज हेल्प मी में क्या है, रिक्वेस्ट की गई है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रोंग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो सेंटेंस किसी स्ट्रोंग या सडन फीलिंग के बारे में बताते हैं, भाव के बारे में बताते हैं कि किसी के अंदर क्या भाव चल रहे हैं, तो वो वाले सेंटेंस कौन से सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, तो ये भाव बता रहे हैं कि बहुत अच्छा खेले, शाबाश। हाउ ब्यूटिफुल द टॉय इज, यह टॉय यह खिलौना कितना सुंदर है, तो ये भी भाव बताया जा रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं।